से पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले पर प्रदेश के लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया था। मोदी की गारंटी भी यही है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के कुल 13 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर यह मेगा एक्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने 13 अलग अलग ठिकानों पर रेड की। इनमें शराब कारोबारी, पूर्व आईएएस और ठेकेदारों के यहां दबिश दी गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर के सरगांव में भाटिया डिस्टिलरी, कोटा में वेलकम डिस्टिलरी, दुर्ग में कोडिया डिस्टिलरी पर टीमों ने सबूतों को खंगाला। वहीं रायपुर में अनवर ढेबर, विवेक ढांड समेत अनिल टुटेजा के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इधर इन छापों को लेकर सीएम ने कहा कि घोटाले बाजों पर सख्त कार्रवाई होते रहेगी। ईडी में एफआईआर दर्ज होने के बाद शराब घोटाले में उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पे जो है छापेमारी तेज करते हैं शराब घोटाले को लेकर। अबे उनका काम है, सतत करते रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है, लेकिन ये आरोप निराधार है। ये तो पूरी उम्मीद है कि जो आरोप ये लोग लगाया है वो आरोप निराधार साबित होंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, जो आरोप पिछले पांच साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी वो सारे आरोप निराधार साबित होंगे। शराब घोटाले को लेकर ईडी पहले भी गिरफ्तारियां कर चुकी है। 17 जनवरी को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। ये घोटाला 2161 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। युगल तिवारी, रायपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया की पत्नी के कब्जे से 3.5 करोड़ के भवन को निगम के अमले ने आज मुक्त करवा लिया और इस बंगले को निगम ने सील भी कर दिया है। रायपुर के शताब्दी नगर में सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कब्जा किया था, जिसको निगम के अमले ने खाली करा दिया और भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद रही। समिति का था वो बाहर हो गया और हमारे जो सामान है वो अंदर है जी। सीलिंग कर दी गई जी, बाकी भवन को हम लोग सील करके अपने पोजेशन में ले लिए हैं। आगे और कुछ कार्रवाई का प्रावधान नहीं, आगे तो जैसा निर्देश मिलेगा वरिष्ठ अधिकारी से वैसा करेंगे। न्यूज 18 ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी के सामुदायिक भवन पर कब्जे और यहां एनजीओ चलाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नगर निगम जागा और उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। और अब सामुदायिक भवन से शिव डहरिया की पत्नी से कब्जा मुक्त कराकर खाली कराया गया है। सामुदायिक भवन कब्जे के मामले को लेकर के निगम ने नोटिस जारी किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव डहरिया की पत्नी के जो कब्जे में जो बंगला है वो बताया जा रहा है और अब उसे सीलिंग की कार्यवाही है वो की जा रही है। निगम अमले के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा मामला जो बजट सत्र के दौरान निगम के उस ये मामला है निगम में गूंजा था और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस मामले को लेकर के उठाया था और आप देख सकते हैं आखिरकार ये नगर निगम अब सीलिंग की कार्यवाही लगातार है वो की जा रही है। निगम के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो कुछ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी नवीन जी से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर पुलिस बल भी बुलाया गया है और यहाँ पर सीलिंग की कार्यवाही है वो जारी है और जो अल्टीमेटम दिया गया था 72 घंटे के भीतर इस बंगले को खाली नहीं किया गया है और अवैध कब्जा का आरोप लगा था और अब उसके बाद सीलिंग की कार्यवाही है की जा रही है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर कांकेर के हुरतराई के जंगल में पुलिस और